नमस्कार सभी दर्शकों को, सारे भाइयों ने राम राम। एचबीएन 24 न्यूज आप देख रहे हैं। जैसे कि राजेश सिम्पा चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और इधर आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे डोर टू डोर अभियान करते मिले तो इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके क्या हालचाल है। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब बाबा ने चिमटा मार दिया, वो काफी कौन था कि बाबा की जनता लेके फिर खड़े हो गए। भाई साहब राम राम सागे है, कुटुंबा सागे है, मोहल्ला भी सागे है। बाबा तो आपका चिमटा मार गया तो मार गया, आपा के अपना जमीर बेचांगे गए तो बाबा के लारा है वो तो बिक गया। तो बाबा तो नू करे था भाई राजा सिम्पा, मेरे तो पहला समर्थन ही दे दिया, वो तो बैठ ही गया। तो समर्थन दे दिया तो किस तरह भाई, आपा तो वोट मांगण लाग रहे हैं, घर घर फिरण लाग रहे हैं, सारा राम राम करण लाग रहे हैं। तो के विचार लग है, बड़ी बड़ी पार्टियां टक्कर मारी है, बाबा भी अपना छोड़ के बिक गया, तो अकेले खड़े हो तो के दम दिखाओगे। वो बिकने आदमी थे वो बिक गए, अपना जमीर अपना साथ है, आपा बिका कौन है। ठीक है जी। तो के मन हो जकर ये करे है कांग्रेस हारे बीजेपी हारे बोले और बोले जमानत जब्त करवा देंगे, बोले आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने लग रही, तो आपके विचार मना हो भाई साहब। वो तो राजा का मल्ले घर में दो लड़ाई लड़े है, वो एक तो पड़े ही है। तो कितना मार्जिन मानो वोटा का? वो तो पब्लिक का हाथ में है जी, 5,000, 10,000, 20,000 वो तो पब्लिक का हाथ में जी, कई रखने रुझान हो जाए जी। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? भाई साहब इस तरह है कि वोटों का तो सिस्टम ऐसे है कि जैसे भी है भाई, पार्टियों के हिसाब से है, है? बाकी ये भतीजा है, ये खड़ा है, इसकी पूरी सपोर्ट है, पड़ोस में भी जो भी है गाम राम भी पूरी सपोर्ट करने लग रहा है, और भी जो जहाँ बाहर गांव में वहाँ भी थोड़ा समर्थन मिलने लग रहा है। हाँ जी आपका क्या कहना है? हाँ जी ऐसा ही हो गया, उम्मीदवार है, बड़ा काम कराएगा, पूरा गाम राम साथ में है। हाँ जी भाई साहब क्या कहना है? हाँ जी। तो जैसे कि काफी समर्थकों के साथ राजेश सिम्पा मौजूद है, तो इनसे कुछ थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो जैसे कि सारे पार्टियां दावे कर रहे हैं कि हम नू कर दें नू कर दें, तो आप क्या कर दोगे भाई? जो तो करना धरना, आप झूठे वादे कर रहे हैं कोनी, ठीक है, और आप गरीबों के समर्थक गरीब का साथ देंगे आप, ठीक है जी, जो काम होगा ना मेरे तय वो गरीबों का करूंगा। तो जैसे कि बाबा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफी इल्जाम भी लगाए थे कि ये तो कुलदीप बिश्नोई के आदमी बन गए, तो इसके बारे में क्या कहोगे? वो तो बड़े लोग है भाई, कड़े दाग लगा सके, ठीक है, मैं खुद मेरा जमीर खड़े है, मैं वोट मांगने ला रही हूँ और गरीबों का साथ हूँ, गरीब का साथ ही रहूंगा, अगर गरीबों की वोट मांगा आप, ठीक है। कौन से मुद्दे हैं जो राधमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी तक बिश्नोई जी या भाजपा सरकार पूरे नहीं कर पाई है, क्या क्या कमियां छोड़ दी? वो तो खुद आप देख रहे हो भाई साहब, क्या क्या है, सड़क बनाई है उनने, आज तक कोई राशन कार्ड नहीं बनाया गरीब का, ठीक है, और गरीबों घर में हालात देखो जाके, ऐसे ऐसे घर है जिनमें दवाई की टिक्का लगाने वाले दवाई पैसे भी नहीं उनके तरह, हर गरीब आदमी बीमारी तो मरे ही जा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब आपका क्या कहना है? हाँ जी राजेश जी चिंपे को ही वोट देंगे जी यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी और भी बुजुर्ग खड़े, किसको भाई को बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी ये जी सुभाष खड़ा है और मैं चुनाव गांव से, हमारा शोक है सबका, भाइयों का हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, जो भाई ने वोट दो, एक एक वोट दो तो आपकी जीत होगी, और भाई सुभाष काम भी करेगा, सारा काम का मंडी आदमपुर के लिए मैं सारा काम करेगा। हाँ जी आपका क्या कहना? मैं तो कहना जी राजेश सिंह को, गरीब बच्चा खड़ा आपका हरियाणा विधानसभा उपचुनाव से वोट दे, भारी बहुमत से इसको विजय बनाए, आपके हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा। तो ठीक है जी, ऐसे राजेश सिम्पा जिनको बाबा जी चिमटे की चोट देने के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में खड़े हो चुके हैं, गाँव की सपोर्ट से, अपने समर्थकों की सपोर्ट से एक बार फिर से चुनावी प्रचार में जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रचार के अंदर ऑटो वगैरह गाड़ियां वगैरह भी लगा चुके हैं और चुनाव चिन्ह का चिमटा का निशान है। तो साथियों आपका क्या कहना है कि क्या राजेश सिम्पा जी चुनावी मैदान में बड़े बड़े महारथियों के बीच टिक पाएंगे? इसके बीच आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ जी आपका क्या कहना? नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल है, जो ये मेरे गांव का लड़का है राजेश सिम्पा, इसको बाबा ने खड़ा कर दिया और ये गरीब परिवार का बच्चा है, इसके साथ बाबा ने बहुत बुरा किया। मेरा सभी भाइयों से अपील है कि इस भाई को वोट देकर विजय बनाए और बाबा का कोई विश्वास ना करे। ये जो गांव के लोग मिल रहे हैं, उड्डा साहब मिले हैं,
हाँ जी आपका क्या कहना है भाई? राजेश फुल वोटों से जीतेगा। अरे राजेश की बात छोड़, नहीं पता बब्बा लात मार गया तो के मसला रह गए हो? बाबा के की भी चार पांच वोट की कोनी है बाबा के तो। इनेलो पार्टी है वो बाबा का समर्थन लेके बहुत अपने वोट खराब किया है। राजेश सिंपा को बहुत बहुत समर्थन आएगा, जीतेगा भाई पक्का। ठीक है जी, तो ये थे राजेश सिंपा के गाँव के लोग जो यहाँ पर वोटों की अपील करते हुए। आप भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अगर आप भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं आदमपुर हलके से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी चैनल वाले आपसे डिमांड करेंगे कि 20,000 रुपये लेंगे, 30,000 रुपये लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संदीप भाई आएगा आपकी वीडियो बिल्कुल फ्री में बनाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। जुड़े रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ, बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।